सबसे पहले 24 आवर्स के लिए कोई मेड या फिर कोई लड़का रखना होगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो। रशीद चाचा है ना तुम्हारे साथ? एक्सक्यूज मी, रशीद चाचा को मॉम ने सिर्फ मेरी मजबूरी देख के वो भी कुछ दिनों के लिए भेजा था। मेरा घर रशीद चाचा के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता। बिनी मेरी जान, कोई एतमाद वाला लड़का मिले तो तभी रखे ना। अब कोई ऐरा गैरा रखेंगे तो घर लूट कर चला जाएगा, और ये रिस्क मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। फिर ये कि तुम्हें कुछ बनाने आता नहीं है, रशीद चाचा तुम्हारे घर में बिजी रहते हैं, लेकिन तुम्हारे मसले का एक हल है मेरे पास। क्या? देखो बेटी, तुम्हें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। हम बबली को रख लेते हैं कुछ दिनों के लिए। देखो बहुत अच्छी कुकिंग भी कर लेती है, घर का काम काज भी कर लेती है। जैसे ही कोई लड़का या लड़की मिल जाएंगे हम उसे रख लेंगे। नहीं 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 नॉट एट ऑल, बबली नहीं। अब उससे कोई हमदर्दी करनी ही नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरे पास तो यही मसले का हल था। एनीवेज रशीद भाई, प्लीज कोई अच्छी सी चाय बना दो यार, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। जी बना देता। थैंक यू। बबली काम वाली, बुला लेती हूँ, मजा आएगा, खूब काम करवाऊंगी। इतना अरसा इस घर में ऐश करके गई है, अब काम करेगी तो उसकी तकलीफ देखने के काबिल होगी। अब राहिल, तुम ठीक कह रहे हो, वापस से नए बंदे पर एतमाद करने के बाद फिर से लुट जाने का हौसला नहीं है मुझमें। वही करो कि बबली को ही रख लो, ये और ऑप्शन नहीं है। तब तक मॉम किसी एतमाद वाले बंदे को ढूंढ लेगी। जो हुक्म मैडम आपको, मेरे सर आपको। वैसे बिनी, तुमने वेरी फर्स्ट टाइम मेरी कोई बात मानी। मानी तो है ना। आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी टू।